हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 7 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया चाइना डिसएंगेज एट अनदर फ्रिक्शन पॉइंट, ट्रूप्स रिटर्न टू परमानेंट बेसिस। तो 6 मंथ्स आफ्टर दे स्टेप बैक ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ द पेंगोंग सो, चाइनीज एंड इंडियन ट्रूप्स हैव डिसएंगेज एट पेट्रोलिंग पॉइंट 17A नियर गोगरा पोस्ट इन ईस्टर्न लद्दाख आफ्टर अ 15 मंथ स्टैंड ऑफ। तो चाइना और इंडिया का जो स्टैंड ऑफ चल रहा था, तो पेंगोंग सो में तो पहले ही वो स्टेप बैक कर चुके थे, उसके बाद अब चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स ने डिसाइड किया है कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 17A है, जो कि बेसिकली गोगरा पोस्ट है, वहाँ पर भी डीएस्केलेशन होगा और डिसएंगेजमेंट होगा। इसके अलावा ट्रूप्स हैव रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव परमानेंट बेसिस, दिस मींस दैट पीएलए ट्रूप्स हैव रिटर्न टू द साइड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो चाइनीज ट्रूप्स है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जा चुका है, लेकिन जो बाकी के फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, तो हॉट स्प्रिंग्स में अभी भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा जो देपसांग प्लेन्स है उसके बारे में अभी बात भी नहीं शुरू हुई है। तो पीएलए इज ऑल्सो ब्लॉकिंग इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम एक्सेसिंग पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन द देपसांग प्लेन्स। तो एक देपसांग प्लेन का अभी मैटर रह गया है, और साथ ही जो अभी हॉट स्प्रिंग्स है वहाँ पर डीएस्केलेशन नहीं हुआ है, लेकिन गोगरा पोस्ट में डीएस्केलेशन हो गया है। हम आगे चलते हैं। सीजीआई, पुलिस, सीबीआई डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कंप्लेंट्स फ्रॉम जजेस। तो क्रिटिसाइजिंग द सीबीआई एंड द आईबी, द सुप्रीम कोर्ट सेट फ्राइडे दैट द एजेंसीज आर नॉट हेल्पिंग द जुडिशरी एट ऑल। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है, जो एजेंसीज हैं जैसे कि सीबीआई और आईबी, वो बिल्कुल भी जुडिशरी को हेल्प नहीं कर रहे हैं, जो भी मैटर सिक्योरिटी ऑफ जजेस से रिलेटेड होते हैं। और पुलिस और सीबीआई यहाँ तक कि जो जजेस के द्वारा कंप्लेंट होते हैं उसको रिस्पॉन्ड तक नहीं करते हैं। तो देर आर सेवरल केसेज इन द कंट्री विच इन्वॉल्व गैंगस्टर्स एंड वेयर हाई प्रोफाइल पीपल आर अक्यूज। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पर गैंगस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं या तो फिर हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो जजेस कभी उनके अगेंस्ट डिसीजन दे देते हैं, तो उन्हें काफ़ी ऐसे धमकाया डराया धमकाया जाता है और हैरेस किया जाता है थ्रू द सोशल मीडिया पोस्ट। तो दो सीबीआई प्रोब्स वर ऑर्डर्ड इन सम इंस्टेंसेस, लेकिन उसके बाद भी देखा गया जो सीबीआई और आईबी जैसी एजेंसीज हैं वो इस मामले में ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हैं, जजेस की सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। पीएम रीनेम्स राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आफ्टर ध्यानचंद। तो जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदल के हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद के ऊपर रख दिया है, तो अब होगा वो ध्यानचंद अवार्ड। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आरबीआई होल्ड्स रेट्स स्टेडी, इन्फ्लेशन फोरकास्ट नाउ क्लोज टू 6% लिमिट। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के बाद अब ये डिसाइड किया गया है जो रेपो रेट और की पॉलिसी रेट है उसे सेम ही रखा जाएगा, और इस 7th टाइम ऐसा है कि आरबीआई ने वापस एकोमोडेटिव इंस्टेंस रखा है, क्योंकि आरबीआई का मेन फोकस अभी ये है कि ग्रोथ रिवाइव करनी, इन्फ्लेशन बड़े ही बढ़ जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी ग्रोथ को रिवाइव करना, इसीलिए आरबीआई एकोमोडेटिव इंस्टेंस रख रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स लें और वापस इकोनॉमी में रिकवरी आ सके। इसके अलावा आरबीआई ने जो प्रोजेक्शन है रिटेल इन्फ्लेशन का वो 5.7% कर दिया है। इससे पहले आरबीआई का प्रोजेक्शन था रिटेल इन्फ्लेशन की वो 5.1% रहेगा, लेकिन अब आरबीआई के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन है वो 5.7% रहने वाला है। जो लिमिट है कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहने वाला है, तो लगभग उसके पास ही होगा 5.7%। इसके अलावा जो जीडीपी का प्रोजेक्शन है वो सेम ही रखा गया, 9.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। द एमपीसी डिस्क्राइब्ड एज द राइज इन इन्फ्लेशन। तो अब जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, उसका ये कहना है ये जो इन्फ्लेशन बढ़ा है ये गोरिल्ला इन द रूम है, इसका मतलब ये है ये टेम्प्ररी फिनोमेना है और ये सप्लाई साइड डिसरप्शंस की वजह से हुआ है, क्योंकि कोरोना में जब लॉकडाउन हो गया तो सप्लाई साइड डिसरप्शंस हुए, जिसकी वजह से ये सिर्फ एक टेम्प्ररी फिनोमेना है इन्फ्लेशन, और एक बार सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस ठीक हो जाएंगे तो वापस से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इसके अलावा पैनल ने सेंटर और स्टेट्स को अपील किया है जो टैक्सेस फ्यूल्स पे हैं उसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूल्स पे जो टैक्सेस होते हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में डीजल पेट्रोल की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, या 3rd पेज पर भी कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। Child has a right to use mother's surname, High Court। तो High Court ने एक ये decision दिया है, every child has a right to use their mother's surname। जैसे ये माना जाता है कि father का surname ही use किया जाता है, तो High Court ने यहाँ पर ये बोला है जो बच्चे के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने माँ का surname use कर सकता है, and father does not own the child to dictate that she should use only his surname। तो ऐसे कोई dictate नहीं कर सकता कि किसका surname use किया जाएगा, तो जिसका use करना वो उसका कर सकता। While hearing a petition moved by a man against his estranged wife's decision to change the daughter's name। बाकी यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021, तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है डिटेल में, आप देख सकते हैं कि इस बिल में कौन कौन से प्रोविजंस थे। तो अभी फाइनली एक्ट बन चुका है, तो इसे चैलेंज करने की बात की जा रही है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो दिल्ली है तो वो अब दिल्ली अडॉप्ट कर रहा है देशभक्ति करिकुलम।
तो स्कूल्स में ये देशभक्ति करिकुलम है तो इसमें क्या होगा? तो द करिकुलम वॉज अनाउंस ड्यूरिंग द 2021 दिल्ली बजट कि ये जो बच्चे हैं आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन उनमें स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज्म होना चाहिए, नेशन हुड होना चाहिए। जब भी वो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो इस प्रोसेस में ही उनके अंदर पेट्रियाटिज्म आ जाना चाहिए। तो थ्री प्राइमरी गोल्स करिकुलम के ये हैं, लव एंड प्राइड फॉर द नेशन, अवेयरनेस ऑफ वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, और इसके अलावा कमिटमेंट टू मेक सेक्रीफाइसेस फॉर द कंट्री। तो रेनू भाटिया की कमेटी बनी थी, करिकुलम कमेटी, उन्होंने डिसाइड किया है कि एक देशभक्ति करिकुलम इंक्लूड कर देंगे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में। आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर ये न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। सॉरी स्टेट एस सी आस सेंटर टू टेक स्टैंड ऑन वैकेंसीज इन ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स में देखा गया कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं और जो टॉप पोस्ट हैं वो तक अभी तक फुल नहीं हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेंटर या तो जानबूझकर नहीं भर रहा है या तो ऐसी लॉबिंग चल रही है कि ये जो ट्रिब्यूनल्स की वैकेंसीज है वो आगे बढ़ती ही जा रही हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, ये काफ़ी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि जो ट्रिब्यूनल्स की वैकेंसीज है इतनी ज़्यादा खाली पड़ी हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे एक्सप्रेस इट्स डिसप्लेजर एट द सेंटर फॉर नॉट फिलिंग अप वेरियस वैकेंसीज इन ट्रिब्यूनल्स अक्रॉस द कंट्री, कॉलिंग इट अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो यहाँ पर अगर स्टैटिस्टिक्स की देखें तो लगभग 20 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की वैकेंसीज फ्री है, वहाँ पर अभी तक वैकेंट उसे भरा नहीं गया। इसके अलावा 110 जुडिशियल मेंबर्स एंड 111 टेक्निकल मेंबर्स वर पेंडिंग अक्रॉस द कंट्री इन वेरियस ट्रिब्यूनल्स। तो यहाँ पर ये बोला गया कि इनको जल्द से जल्द भरा जाए। आगे चलते हैं, यहाँ पर केरला हाईकोर्ट ने बोला है, मैरिटल रेप अ गुड ग्राउंड टू क्लेम डाइवोर्स सेज केरला हाईकोर्ट। तो मैरिटल रेप इज अ गुड ग्राउंड टू क्लेम डाइवोर्स। केरला हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि मैरिटल रेप के ग्राउंड पर भी डिवोर्स लिया जा सकता है, और साथ ही उन्होंने ये बोला है भले ही मैरिटल रेप को पीनल लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है लेकिन उसके बाद भी कोर्ट डिसीजन दे सकता है कि मैरिटल रेप के ऊपर जो स्पाउस है वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकता है और उसे डाइवोर्स मिल भी सकता है। तो मैरिटल रेप इज अ गुड ग्राउंड टू क्लेम डाइवोर्स, द केरला हाई कोर्ट हैज सेड, एडिंग दैट द लॉ नॉट रिकॉग्नाइजिंग मैरिटल रेप एंड अ पीनल लॉ डज नॉट इनहिबिट द कोर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग द सेम एज अ फॉर्म ऑफ क्रुएल्टी टू ग्रांट डाइवोर्स। इसके अलावा यहाँ पर केरला हाईकोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया, अ वाइफ्स बॉडी इज समथिंग दैट इज ओड टू द हस्बैंड एंड कमिटिंग अ सेक्सुअल एक्ट्स अगेंस्ट हर विल इज नथिंग बट मैरिटल रेप। द राइट टू रिस्पेक्ट फॉर हिज और हर फिजिकल एंड मेंटल इंटेग्रिटी इनकम्पसेस बॉडीली इंटेग्रिटी। तो जो राइट टू प्राइवेसी है तो इसके अंदर इसे माना गया है और मैरिटल रेप के बेसिस पर भी डिवोर्स क्लेम किया जा सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अब PIL लेगी। तो PIL इस बात पर है जो लेजिस्लेटर्स के केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए ताकि जो पेंडेंसी है लेजिस्लेटर्स के केसेस के लिए वो जल्द से जल्द खत्म हो सके। यहाँ पर हम ये कॉलम डिस्कस करेंगे, द पार्लियामेंट वी डिजर्व। तो जो सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स है ओवर द डेकेड्स हैव डिमिनिश्ड देमसेल्व्स बोथ बाय द कंडक्ट एंड द हेरक्री दैट वाज कमिटेड इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिंग द ऑनरस प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉलिकली नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ऑथर ने यहाँ पर बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ में जो जो खामियाँ उसके बारे में बताया कि एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो देर वॉज अ टाइम, एक ऐसा टाइम भी था जहाँ पर पार्लियामेंट को माना जाता था कि वहाँ पर डिबेट्स हो रही हैं, बहुत अच्छी डिबेट्स हो रही हैं और उसके कारण बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस बनकर आते थे। तो एक MP को पता था उसकी वोट की क्या इंपॉर्टेंस और वो बहुत ज़्यादा मैटर करता था। ऑल दैट स्टार्टेड, लेकिन ऑथर ने बोला ये सारी चीज़ें बदलना शुरू हुई जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में बेसिकली क्या होता है, विप इशू कर दे किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। तो वहाँ पर MP को वही चीज़ माननी पड़ती जो कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसे विप इशू किया है, उसे उसी फेवर में वोट देना पड़ेगा, या तो उसकी पॉलिटिकल पार्टी अपोज करना चाहती है तो उस MP को अपोज ही करना पड़ेगा, मतलब उस MP की खुद की कॉन्शियस खत्म हो जाएगी। तो ऑल दैट स्टार्टेड चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ इन 1985। The statements of objects and reason of the said law eloquently about that the evil of political defections has been a matter of political concern. तो जैसे political defection होते थे तो उसे deal करने के लिए कोई और तरीका लाना चाहिए, उसे political concern बना दिया गया, ये according to the author ठीक नहीं है। In the past 35 years of its existence जो एंटी डिफेक्शन लॉ में चेंज आया वो सिर्फ इतना ही आया, जो रिटेल इन्फ्लेशन होता था सॉरी जो रिटेल डिफेक्शन होता था उसे होलसेल डिफेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड इट एंडेड अप कम्प्लीटली सकिंग आउट द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी के एसेंस है वो एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से खत्म हो गया है। इट हैज़ टर्न देम इनटू हॉल्स ऑफ विप ड्रिवन टायरनी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो पॉलिटिकल पार्टी वो विप्स इशू कर देते हैं MPs और MLAs को, तो जो MPs और MLAs होते हैं वो अपना विजडम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं और उन्हें अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी ही वोट करना पड़ता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी कि आपको इस पर्टिकुलर बिल को सपोर्ट करना है तो वो सपोर्ट करेंगे, अपोज करने को बोलेगी तो अपोज करेंगे, वो अपना विजडम नहीं बिल्कुल लगा सकते हैं। Today the political party that gives any person a ticket to contest on its symbol exerts complete control over their mind and soul. तो जो भी political party ticket देती है वो MP MLA के ऊपर पूरा control रखती है, उनके mind और soul के ऊपर।
श्योरली द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन दे ऑप्टेड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर्स ने अडॉप्ट किया था कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दिया जाएगा, जो भी 18 साल के ऊपर लोग हैं उन सबके पास वोट करने का अधिकार होगा, तो यहाँ पर हम इलेक्टोरल प्रेफरेंसेस में तो इंडिविजुअल इलेक्टर को एक्सरसाइज करने की बात दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर की बात आ रही है तो वहाँ पर एमपी एमएलए अपना जो इंडिविजुअल प्रेफरेंस है उसे नहीं एक्सरसाइज कर पा रहे, उन्हें अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी विल चलना पड़ रहा है। तो एमपी नोज दैट लेजिस्लेशन ड्राफ्टेड बाय सेम जॉइंट सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो एमपी को अब ये बात पता चल गई जो भी लेजिस्लेशन होगा वो कोई जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर बैठा हुआ इंसान बना देगा, फिर उसके बाद उनको विप इशू हो जाएंगे कि आपको इसको अपोज करना है या सपोर्ट करना। तो यहाँ पर एमपी और एमएलए की खुद की कॉन्शियंस बिल्कुल खत्म हो गई है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज है वो भी कैसे ट्रैम्पल डाउन की जाती है उनके खुद के स्टेक होल्डर्स द्वारा, जो मेंबर्स का कंडक्ट ऑफ द पार्लियामेंट वो भी हम धीरे धीरे देख रहे हैं कैसे खराब होता जा रहा है, लगातार डिसरप्शंस होते हैं, कोई डिबेट नहीं हो पाती पार्लियामेंट में और हेस्ट में सारे बिल्स पास हो रहे हैं, कुछ भी डेलिब्रेशन नहीं होती है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स का देखो तो और भी ज़्यादा खराब है अकॉर्डिंग टू द एज कम्पेयर टू द पार्लियामेंट, लगभग वो एक महीने तक भी नहीं मिलते पूरे साल में, मतलब पूरे साल में वो लगभग 30 दिन के लिए भी नहीं मिल रहे हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस व्हाट एन एमपी और एमएलए डज इन द लेजिस्लेचर हैज नो बेयरिंग ऑन द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ री इलेक्शन, तो एमपी और एमएलए लेजिस्लेशन में क्या करते हैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि री इलेक्शन में वापस से वो इलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर उनका इंडिविजुअल वो कुछ एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं। तो अब लोग भी एमपी और एमएलए को सिर्फ एक मिडिलमैन की तरह देखने लग गए हैं जो पब्लिक गुड्स को एक्सेस करने में एक मिडिलमैन का काम कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। थाउजेंड्स ऑफ करोड़, अब ऑथर ने ये बोला है लगभग इलेक्शन साइकिल्स में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ स्पेंड किए जाते हैं, इंडिया कैन वेरी वेल फंक्शन विद अ डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव एंड अ जुडिशियरी टू एक्सरसाइज ओवरसाइट, तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर इससे अच्छा ये है जो एग्जीक्यूटिव उसे डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं और एक जुडिशियल ओवरसाइट रख दो, क्योंकि एमपी एमएलए को इलेक्ट करने का तो कोई मतलब नहीं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इतने ज़्यादा रुपए खर्च हो रहे हैं उसके बाद भी जो लेजिस्लेटर वो अपना इंडिविजुअल प्रेफरेंस एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहा है। द लेजिस्लेटर हैज़ कम्प्लीटली फेल टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, इसलिए लेजिस्लेटर जो है वो बिल्कुल फेल हो चुका है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए। लेटेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पार्लियामेंट में कैसे पिछले 3 हफ्तों से डिस्ट्रप्शन चल रहा है। द गवर्नमेंट इज ऑब्डुरेट दैट इट विल नॉट डिस्कस द पेगासस इशू, अब गवर्नमेंट ये बोल रही है वो पेगासस इशू डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का यही कहना है कि आगे तभी कुछ होगा जब पहले एक बार पेगासस इशू डिस्कस होगा, तो कोई कॉमन ग्राउंड नहीं आ पा रहा है। तो येट वाइटल लेजिस्लेशन दैट हैज़ अ बेयरिंग ऑन इंडियाज फ्यूचर इज बीइंग कैवियरली पास्ड विदाउट एनी डेलिब्रेशन, तो डिस्ट्रप्शन हो रहा है उसके बाद भी लगातार बिल पास हो रहे हैं, जैसे कि मैं आपको डेली न्यूज़पेपर में पढ़ा रही हूँ कितने बिल पास हो चुके हैं अब तक। तो ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट ऑथर ने ये बोला है सबसे पहले लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन को रिवाइटलाइज करने के लिए सबसे पहले जरूरत है ये जो 10th शेड्यूल है इसके जो ड्रेकोनियन प्रोविजन से इसे हटाने की जरूरत है, जैसे कि विप बेस्ड टायरनी चलती है। यहाँ पर ऑथर ने बोला है ये जो विप वाली बात है जो पार्टी के द्वारा विप इशू किया जाता है वो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए ही मेंशन किया जाए, ऐसे रोज के बिल्स के लिए मेंशन ना किया जाए। फॉर एग्जांपल जहाँ पर कॉन्फिडेंस मोशन की बात है वहाँ पर पार्टी को विप इशू किया जाना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब जहाँ पर सरकार के गिरने की चांस है तो वहाँ पर विप इशू किया जाना चाहिए, लेकिन नॉर्मल ऐसे बिल्स पर विप इशू नहीं किया जाना चाहिए। और बाकी द रेस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव स्पेस मस्ट बी फ्रीड अप, एंडेमिक डिस्ट्रप्शंस नीड टू बी प्रोस्क्राइब थ्रू अ ट्रांसपेरेंट रूल्स बेस्ड प्रोसीजर। तो बेसिकली ऑथर ने सोल्यूशन यही दिया जो 10th शेड्यूल है उसमें सिर्फ एक जहां पर सरकार के गिरने की चांसेस होती हैं सिर्फ वहीं पर विप बेस्ड टायरनी रखनी चाहिए, वरना विप को बिल्कुल हटा देना चाहिए। हम आगे चलते हैं ओशियंस कीपर्स, तो यूएनएससी में डिबेट होने वाली है यूएनएससी मेंबर्स इज इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन अंडर द लार्जर अम्ब्रेला मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यूएनएससी में डिबेट हो रही है सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के अंदर इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो इंडिया का भी एक इनिशिएटिव है सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो कि इंडिया ने 2015 में अनवील किया था इंडियन ओशन रीजन को लेकर। अब हम यहाँ देख रहे हैं जो ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी वो बहुत खतरे में है, रीसेंट इंसिडेंट से ऐसा पता चलता है। फॉर एग्जांपल जो इजरायली कंट्रोल टैंकर हैं नदन अरेबियन सीमर उन पर अटैक किया गया, उसमें 2 क्रू मेंबर्स भी मर गए। तो इससे पहले अगर देखा जाए तो पायरेसी और नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस थे स्मगलिंग वगैरह के, पर ये पहले होते थे। आजकल के चैलेंजेस जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर वो बिल्कुल बदल चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात होती है, लेकिन चाइना क्लेम करता 9 डैश लाइन से आसपास वाले सारे आइलैंड्स उसके हैं, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलता है, जैसे कि पैरासल आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड, स्कारबोरो शोल आइलैंड। तो दिस फॉर्मुलेशन हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द यूएस, इसके अलावा मैनी आशियान नेशंस ने भी इसके अगेंस्ट ही बोला था। तो जो चाइनीज़ का इंटरप्रिटेशन है 9 डैश लाइन के आसपास उसके आइलैंड है, तो ये सबको इसका अपोज करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए साउथ चाइना सी में। इसके अलावा जो एक्सीडेंट्स होते हैं ओशियन में उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ओशियन में, पोल्यूशन अगर ओशियन में बढ़ रहा है तो धीरे धीरे उसके डाउनस्ट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज भी हेल्थ पर देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही, कार्बन इमिशंस लगातार बढ़ रहे हैं, ये यूएन रिपोर्ट से भी पता चला है। जो
ओशन की एसिडिसिटी है वो लगातार बढ़ रही है, जैसे कि सी वाटर है अब वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, और इसके अलावा जो अपर लेयर है ओपन ओशन की उसने लगभग 0.5% एंड 3.3% ऑफ द ऑक्सीजन सिंस 1970 एस टेम्परेचर्स हैव राइजन। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देखो और ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ऐसे ही एमिट होती रहें तो इससे कैटास्ट्रॉफ आ सकता है। दीज गैसेज को पाइल अप इन अ सच अ मैनर दैट थ्रू आउट द सेंचुरी रिजल्टिंग इन सी लेवल्स राइजिंग एट अ रिलेंटलेस पेस। इसके अलावा हम देख रहे हैं लगातार सी लेवल राइज कर रहा है, तो अगर सी लेवल ऐसे ही राइज करता रहा तो जो नीचे लो लाइंग कोस्टल एरियाज हैं वो सब पानी के अंदर डूब जाएंगे। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला है जैसे कि सी फेयरर्स का वेलफेयर है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो इंपॉर्टेंट है कि अब जब इस ये डिबेट हो रही है तो उन सी फेयरर्स के वेलफेयर पर भी डिसाइड किया जाए। ओवर द डेकेड्स जैसे अगर देखा जाए तो पिछले कई डेकेड्स में इंडिया ने न्यूक्लियर इशू को हाईलाइट किया है, जैसे इंडिया ने ये इशू हाईलाइट किया कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, और इंडिया ने तब हाईलाइट किया जब इंडिया खुद एक न्यूक्लियर वेपन केपेबल स्टेट है। इन अ सिमिलर मैनर हम इस मैटर को भी हाईलाइट कर सकते हैं कि ग्लोबल मैरीटाइम की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी हेल्थ ऑफ द ओशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ब्लू इकॉनमी कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसका रिलेशन ग्लोबलाइजेशन के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पर ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की है कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो चाइना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रोकता है उससे डील करने की बात बोली है, और जो अटैक ज़्यादातर हो रहे हैं उसके बारे में बात बोली, पॉल्यूशन जो ओशन का पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसे कैसे कम किया जा सकता है, और साथ ही ब्लू इकॉनमी कैसे बनाई जा सकती है। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर प्यू रिसर्च के बारे में है कि प्यू रिसर्च में मुस्लिम्स का क्या क्या आना था। इससे पहले ऑथर ने आर्टिकल लिखा था लेकिन वो हिंदूज के अकॉर्डिंग लिखा था, प्यू रिसर्च में मुस्लिम के द्वारा क्या पाया गया उसके बारे में आर्टिकल है तो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 78% ऑफ देम कंसीडर दैट स्टॉपिंग इंटर मैरिज इज अ हाई प्रायोरिटी। तो मुस्लिम्स आर नो डिफरेंट फ्रॉम सर्टेन स्टैंड पॉइंट्स, जैसे कि 78% मुस्लिम्स ये मानते हैं जो इंटर मैरिज है वो हाई प्रायोरिटी, उसके बारे में उनको सोचना चाहिए, इसके अलावा रोकने की कोशिश करनी चाहिए। एंड 89% ऑफ देम से दैट ऑल और मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स कम फ्रॉम द ओन कम्युनिटी, और लगभग 89% मुस्लिम्स ऐसा मानते हैं जो भी उनके सारे फ्रेंड्स हैं वो उनकी ही कम्युनिटी से आते हैं। अगर हिंदू में देखो तो 86% लोग ऐसा मानते हैं हिंदूज में कि जो भी उनके फ्रेंड्स हैं वो उनकी ही कम्युनिटी से आते हैं, बट ओनली 16% ऑफ देम वुड नॉट बी विलिंग टू एक्सेप्ट अ हिंदू एज अ नेबर, लेकिन 16% ऐसे मुस्लिम्स हैं जो हिंदू को अपने नेबर की तरह नहीं करना चाहते हैं। Whereas 36% of Muslims would not be willing to accept a Muslim as a neighbor, लेकिन अगर हिंदूज में इसका परसेंटेज देखो तो 36% ऐसे हिंदूज होंगे जो किसी मुस्लिम को अपने नेबर की तरह नहीं एक्सेप्ट करना चाहेंगे। इसके अलावा कुछ हिंदू रिलीजियस नोशंस जो हैं जो कि मुस्लिम्स के अंदर भी पाए गए हैं, जैसे कि 77% मुस्लिम्स कर्मा में बिलीव करते हैं, 27% री इंकारनेशन में बिलीव करते हैं, 26% गंगा के अंदर पावर है प्योरीफाई की उस बात में बिलीव करते हैं। तो ऑथर ने बोला ये क्लियर लेगेसी है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये कॉम्पोजिट कल्चर को दर्शाता है। इसके अलावा 37% जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को सूफिज्म से आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ तक कि जो ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन के मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को किसी सेक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, फॉर एग्जांपल शिया सुन्नी या फिर किसी और अदर सेक्ट के साथ। तो इससे ये पता चलता है जो इंडिया में सेक्टेरियन आइडेंटिफिकेशन ये बहुत कम है। इसके अलावा 1/5 ऑफ मुस्लिम्स से दे हैव पर्सनली फेस्ड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, तो लगभग 1/5 मुस्लिम्स का ये कहना है कि उन्होंने रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, और कम्युनल वॉयलेंस एक मेजर इशू है लगभग 65% ऑफ देम के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इट वॉज फाउंड दैट 49% ऑफ हिंदूज थिंक दैट वन कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी विदाउट बिलीविंग इन गॉड, तो लगभग 49% हिंदूज हैं जो ये बात बिलीव करते हैं कि अगर इंसान भगवान में नहीं भी बिलीव कर रहा है तब भी वो हिंदू सोसाइटी का पार्ट हो सकता है। वेर 64% एंड 59% थिंक दैट बींग हिंदू एंड हिंदी स्पीकिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बींग ट्रूली इंडियन, लेकिन लगभग 64% और 59% 64% ये सोचते हैं कि हिंदू होने के लिए, और 59% ये सोचते हैं कि हिंदी स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रूली इंडियन हैं तो। अब यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने ये बोला है जैसे कि 72% ये बोलते हैं कि ये क्रूशियल है इंटरकास्ट मैरिजेस को रोकना, और 74% ऑफ देम आर ईगर टू गो टू देयर ओन रिलीजियस कोर्ट्स। अब लगभग 74% लोग ऐसा मानते हैं कि उन्हें अपने ही रिलीजियस कोर्ट्स में जाना चाहिए अपने फैमिली डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। 56% का मुस्लिम का ये मानना है जो ट्रिपल तलाक वाला इशू है, जैसे डिवोर्स दे सकते हैं वाइफ को 3 बार तलाक बोल के, तो वो चीज़ हटनी चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मिज्म हो रहा है मुस्लिम सोसाइटी में भी। तो बेसिकली डेटा आप याद रख सकते हैं तो रखें, वरना फिर आप रहने दें। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे अफगान पीस के लिए इंडिया ने यूएनएससी में क्या बातें उठाई हैं तो हम देखते हैं। तो स्ट्रेसिंग दैट द फ्यूचर ऑफ द अफगानिस्तान कांट बी इट्स पास्ट, तो इंडिया का ये स्टैंड है सबसे पहले, जो अफगानिस्तान का फ्यूचर वो उसका पास्ट नहीं हो सकता। बेसिकली जो तालिबान ने रूल किया था 1996 से लेकर 2001 तक, तो वापस से तालिबान पावर में नहीं आ सकता अफगानिस्तान में। इंडिया ऑन फ्राइडे सेड टेररिस्ट सेफ हेवन्स इन द रीजन मस्ट बी डिसमेंटल इमीडिएटली। इसके अलावा इंडिया ने ये बोला जो भी टेररिस्ट सेफ हेवन्स है उस रीजन में उसको जल्द से जल्द डिसमेंटल करना चाहिए, और जो भी वहाँ पर वायलेंस उसको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए, सेसेशन ऑफ वायलेंस होना चाहिए। जैसे कि हम
अफगानिस्तान के नेबर है, इंडिया अफगानिस्तान का नेबर है, तो करंट सिचुएशन जो हमारे लिए भी कंसर्निंग है, जो वॉयलेंस है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा, अफगानिस्तान में लगातार बढ़ रहा है, तालिबान की इंसर्जेंसी लगातार बढ़ रही है, एक से आगे एक प्रोविंस को वो लगातार अपने कंट्रोल में ला रहे हैं। द काउंसिल अंडर द करंट प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, तो अभी यूएनएससी में जो करंट प्रेसिडेंसी वो इंडिया के पास ही है, तो वहाँ पर अफगानिस्तान सिचुएशन की बात की गई, जैसे कि अभी यूएस ने वहाँ से विदड्रॉ कर लिया तो तालिबान की बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी बढ़ गई है। इन अ थिनली वेल्ड रेफरेंस टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हुए ये बात बोली गई, जो टेररिस्ट सेफ हेवेंस है, बेसिकली जो पाकिस्तान है टेररिस्ट सेफ हेवेंस रीजन में, उसको जल्द से जल्द डिसमेंटल करना चाहिए और टेररिस्ट सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब करना चाहिए। इट नीड्स टू बी इंश्योर दैट अफगानिस्तान नेबर्स, जो अफगानिस्तान के नेबर्स हैं उनको थ्रेटन नहीं होने चाहिए, जो कि सेपरेटिज्म एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। देयर नीड्स टू बी जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन, तो जो टेररिज्म उसके लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए हर फॉर्म में, हर मैनिफेस्टेशन में। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान को होता है कि नहीं ये गुड टेररिज्म है, नहीं ये बैड टेररिज्म है, तो ये वाली बातें नहीं होनी चाहिए। टेररिज्म टेररिज्म और उसे हमेशा कोश करने की कोशिश करनी चाहिए। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे स्टेटस चेक ऑन वर्ल्ड क्लाइमेट, तो आईपीसीसी की रिपोर्ट आने वाली है, तो फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट आने वाली है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऑथर ने बेसिकली इसमें ये बताया कि पिछले 5 आईपीसीसी की रिपोर्ट्स में क्या क्या आया है। तो हम अभी देख रहे हैं लास्ट फ्यू वीक्स में बहुत ज़्यादा एडवर्स क्लाइमेट इवेंट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेड फ्लड्स है यूरोप और चाइना में, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, इसके अलावा डेडली फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिले साइबेरिया टर्की और ग्रीस में। तो इतने ज़्यादा क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं, एडवर्सियल क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं। तो आईपीसीसी रिपोर्ट्स के से हमें क्या पता चलता है, तो लगभग अभी तक 5 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जिसमें से 4th रिपोर्ट को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है, तो अभी 6th रिपोर्ट जल्द ही आने वाली। तो पिछले 5 रिपोर्ट्स के बारे में लिखा है, जैसे ही फर्स्ट रिपोर्ट में ये बोला है, जो भी एमिशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हो रहे हैं, तो एमिशंस रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो लगातार बढ़ रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में लगातार बढ़ रहा है, जो ग्लोबल टेम्परेचर वो 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है अगले 100 सालों में, सी लेवल जो है वो 65 सेंटीमीटर बढ़ सकता है 2100 तक, और इसके बेसिस पर रिपोर्ट फ्रेम की गई थी, जो भी यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, तो वो फर्स्ट आईपीसीसी की रिपोर्ट पर ही बेस्ड थी। सेकेंड रिपोर्ट में ये बोला गया है, जो ग्लोबल टेम्परेचर वो 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है 2100 तक, और जो सी लेवल है वो 50 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। थर्ड रिपोर्ट में ये बोला गया, जो प्रेडिक्टेड टेम्परेचर वो 1.4 से लेकर 5.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकते हैं 2100 तक, अगर हम 1990 से कंपेयर करें। इसके अलावा जो सी लेवल है वो 80 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। जो फोर्थ रिपोर्ट थी, इसे ही पीस प्राइज मिला था, तो पीस नोबेल मिला था फॉर आईपीसीसी। इन वर्स्ट के सिनेरियोस में ये बोला गया, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 4.5 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ सकते हैं 2100 तक। इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है CO2 की वो बढ़ रही है। फिफ्थ रिपोर्ट में ये बोला गया, जो टेम्परेचर राइज है बाई 2100 तक, तो लगभग 4.8 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है CO2, CH4 और N2O की, वो पिछले 8 लाख सालों में अनप्रेसिडेंटेड, मतलब इतनी ज़्यादा तो कभी नहीं बढ़ी। मोर फ्रिक्वेंट एंड लॉन्गर हीट वेव्स वर्चुअली सर्टेन, तो ज़्यादा हीट वेव्स जैसे कि देखने को मिली कैनेडा US में। लार्ज फ्रैक्शन ऑफ स्पीसीज फेस एक्सटेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज का एक्सटेंशन हो रहा है, और यही एक रिपोर्ट थी जो नेगोसिएशंस पेरिस एग्रीमेंट के हुए 2015 में, वो इस रिपोर्ट के बेसिस पे हुए। तो ये 5 रिपोर्ट के जो हाईलाइट्स हैं, आप याद रख सकते हैं कोट करने के लिए, अगर आप याद रख सकें तो। अब यहाँ पर जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, तो यहाँ पर ऑथर ने ध्यानचंद की लेगेसी को डिस्कस किया है। तो ध्यानचंद, ही वॉज द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ हॉकी, ओलंपिक्स में लगभग 3 कॉन्सिक्यूटिव हॉकी गोल्ड मेडल्स भी जीते, तो उसमें भी वो थे, जैसे कि एम्स्टरडैम में, लॉस एंजलिस में और बर्लिन में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम हॉकी में जब चैंपियन थे तब हॉकी ग्रास पर खेली जाती थी, लेकिन अब हॉकी एस्ट्रो टर्फ पर खेली जाने लगी है। तो हो सकता है इंडिया ने जो हॉकी पे लूज़ किया वो इस वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पर जो हमारे प्लेयर्स थे वो ग्रास में प्रैक्टिस करते थे, फिर ओलंपिक्स में उन्हें एस्ट्रो टर्फ पर खेलना पड़ता था, तो उस पर वो प्रैक्टिस नहीं किए होते थे, हो सकता है इस वजह से वो हार जाते हों। इसके अलावा ध्यानचंद, जब उन्होंने बर्लिन में हराया था जर्मनी को, तो ध्यानचंद को ऑफर किया गया था जर्मन सिटीजनशिप हिटलर के द्वारा, लेकिन ध्यानचंद ने मना कर दी थी उस सिटीजनशिप के लिए और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। इसके अलावा जो इंडिया था वो यूरोप को हरा पाता था हॉकी जैसे गेम में, इसलिए लोगों को भी इंटरेस्ट था, क्योंकि एक प्राइड जैसी बात आती कि जो देश हम पर रूल कर रहा है उसको ही हरा दे रहे हैं। तो हैं सीइंग एन इंडियन डोमिनेटिंग द यूरोपियंस एंड अ स्पोर्ट इन्वेंटेड बाय देम इवोक्ड अ लॉट ऑफ प्राइड इन देम। जो ध्यानचंद जी का बर्थडे August 29, तो उसको नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, और प्रेसिडेंट उस दिन बहुत सारे अवार्ड्स देते हैं, जैसे कि अर्जुना अवार्ड्स और बहुत सारे ऑनर्स। तो अब एक जो ऑनर होगा वो बेसिकली अब ध्यानचंद के नाम पर ही होगा। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे लेबनान में जो हिजबुल्ला ग्रुप है उन्होंने इसराइल पर फायरिंग की, तो इसराइल ने फिर रिटेलिएट कर दिया। तो ईरानियन बैक्ड लेबानीज ग्रुप हिजबुल्ला फायर्ड बराजेस ऑफ रॉकेट टुवर्ड्स इसराइली फोर्सेज। तो ईरानियन बैक्ड जो
लेबानन में ग्रुप है हिजबुल्ला, तो ईरान के द्वारा बैक किया गया और उन्होंने इसराइल पर रॉकेट्स फायर किए थे, तो अब वापस से टेंशन बढ़ गई ईरान लेबानन और इसराइल की, वॉर हो सकता है ऐसा उसमें बोला गया। अब तालिबान ने प्रोविंशियल कैपिटल को टेक ओवर कर लिया है, तो तालिबान ने बेसिकली निमरोज प्रोविंस में कैपिटल जरांस को, अब वो इस्लामिस्ट के अंदर आ गए हैं, तालिबान ने वापस उसे कैप्चर कर लिया है। फाइटिंग टू रीइंपोज स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ, अब तालिबान जो है वापस इस्लामिक लॉ लेकर आना चाहता है अफगानिस्तान में। US लेड फोर्सेस 2001 में उन्होंने तालिबान को पावर से हटा दिया था, तब से तालिबान पीछे बैठा हुआ था क्योंकि US वहाँ पर था, US ने अपने ट्रूप्स लगा रखे थे, लेकिन US के बैकडाउन करने के बाद ही तालिबान इंसर्जेंसी शुरू कर दी। तालिबान ने बहुत सारी प्रोविंसेस को अपने अंडर ले लिया, जैसे कि हेरात, कांदहार, और अभी हम देख रहे हैं ये वाली जो प्रोविंस मैंने आपको बताई निमरोज। तो बस आपको थोड़ी लोकेशन पता होनी चाहिए, निमरोज कहाँ है, हेलमेंट कहाँ है, कांदहार, हेरात। अभी तक तालिबान जो था वो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर कर रहा था, लेकिन अब फाइनली तालिबान ने प्रोविंशियल कैपिटल्स को भी कैप्चर करना शुरू कर दिया। यहाँ पे पैरासल आइलैंड की बात की गई, तो पैरासल आइलैंड साउथ चाइना सी में है, वियतनाम के द्वारा भी क्लेम किए जाते हैं और चाइना के द्वारा तो क्लेम किए ही जाते हैं। चाइना का ये कहना है कि ये सीजा आइलैंड्स हैं और ये चाइना के आइलैंड्स हैं पैरासल आइलैंड्स, लेकिन वियतनाम का ये कहना है कि ये आइलैंड्स उनके हैं। आई होप आपको आज के न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।